हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण इन हिंदी मीडियम। और हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो डन हो चुके हैं। उसकी वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, मतलब मेरे चैनल पे, और भी चैनल्स पे होंगे। अगर आपको वहाँ अच्छी लगे तो आप वहाँ देख लीजिए, अगर आपको यहाँ अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब प्लेलिस्ट पे मैंने बना रखा है, वहाँ पे भी जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो चलिए फटाफट से चल के देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और इसे किस तरीके से करना है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो खूब सारा लाइक, मतलब हर वीडियो को लाइक करिए जरूर, और सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल मत जाइएगा। शेयर जरूर करिए कि क्योंकि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि वो सब तक पहुँचे, और जो इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है उसका भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना। तो हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो प्लीज ये तीनों चीजें जरूर से जरूर करा करिए। वन मोर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, सो दैट कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम उसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कितने लोगों को अच्छी लग रही है, अच्छी लग भी रही है तो नहीं लग रही, लग भी रही है तो अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का जो कि है द्विघात समीकरण। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी हाइट मतलब ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज अगर 13 का है तो उसकी बाकी की दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे कैसे करना होगा। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो हम राइट कर लेते हैं, मींस क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है। तो सब भैया आधार पता होगा तो आधार से 7 कम कर देंगे तो ऊंचाई पता चल जाएगी, तो हमें आधार भी नहीं पता है तो इसलिए हम आधार को मान लेंगे एक्स। माना आधार इक्वल्स टू एक्स, आधार को क्या ले लिया, एक्स सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, आधार को, अब जब आधार एक्स सेंटीमीटर हो गया तो जो हमारी ऊंचाई है, जो हमारी ऊंचाई है वो क्या होगी, आधार से 7 कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई एक्स माइनस 7, देखिए किसी चीज से 7 कम तो हम उसमें से 7 घटा देंगे ना, समझ में आया। अगर मैंने बोला कि एक पेन है जो कि 7 मीटर कम है दूसरे वाले पेन से, तो दूसरे वाले पेन की जो भी हाइट होगी उससे हम 7 कम कर देंगे तो हमें उस पेन की हाइट पता चल जाएगी। वैसे ही आधार हमें एक्स है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7, 7 घटा देंगे। समझ में आया, 7 क्यों माइनस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा है कि 7 कम है। ठीक है, अब इसने बोला यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं, कर्ण 13, ठीक है, कर्ण क्या बोला है, 13, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कर्ण इज इक्वल्स टू क्या है, 13, 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, ये पता चल गया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम हिंदी में पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं, प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आधार, आधार का स्क्वायर
प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर जिसको हम कहते हैं h, हमारा कर्ण हो जाता है हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऊंचाई होती है परपेंडिकुलर इसलिए हम इसको p से डिनोट करते हैं, और आधार होता है बेस इसलिए हम b से डिनोट करते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम इसमें ये पुट कर देंगे, ठीक है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू आधार कितना है भाई x, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस ऊंचाई कितना है भाई x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मुझे ये सब वैल्यूज पता थी, मैंने इस फॉर्मूले में इस थ्योरम में पुट कर दी। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब उसको दो बार गुणा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए मुझे तो याद हो गया है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। इस तरीके से स्क्वायर याद हो जाते हैं। तो 13 का स्क्वायर कर दिया मतलब 13 को दो बार गुणा किया तो क्या आ गया 169 मल्टीप्लाई करने में। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे। जी नहीं, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए ए इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49 माइनस 2ab, 2a x हो गया, b मतलब 7 हो गया। समझ में आया, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, राइट। अब देखिए 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 27 से 14, तो ये हो जाएगा 14x। अब देखिए, अब ये आपकी द्विघात समीकरण बनती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी। द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी, a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारी इक्वेशन बन जाती तो हम उसे कहते हैं द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप देखिए क्या करना होगा, 169 यहाँ पे है, ठीक है, अगर हम 169 को इधर ले आते तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। देखिए मैं 169 को इधर लेके आ रही हूँ तो इससे इन सब के साइन सेम रहेंगे, इसका साइन बदल जाएगा माइनस 169, इसका चिन्ह बदल गया 169 माइनस इज इक्वल टू में क्या बचा, यहाँ से जब इधर चल के क्या बचा 0। समझ में आया, अब देखिए या तो 4 इज इक्वल टू 0 कर दो या 0 इज इक्वल टू 4, एक ही बात है। समझ आया मैंने क्या कहा, ये जब इधर चला गया तो यहाँ क्या बच गया 0, तो मैंने ये 0 इधर ना लिख के इधर लिख दिया। ठीक है, बात कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इन दोनों को प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 169 में से 49 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बड़ा नंबर ये है, तो इसके आगे का चिन्ह मतलब इसके आगे का साइन यहाँ लग जाएगा। इतना समझ में आया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 7 सा है, ये 260, 2 इंटू 60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बचा 7x, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचा 2 चला गया, तो 120 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 0 का 0, 2 0 0, तो 60 कितना बचा 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ गुणा में है मतलब मल्टीप्लाई में, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड मतलब भाग में हो जाएगा, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60, ये एज इट इज रहेगा, ये 0 है, ये भाग में चला गया मतलब डिवाइड में, तो 0 को किसी भी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आता क्या है 0।
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। समझ में आया? अब देख लीजिए, अब जिसने भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीखा है वो मेरे से पहले वीडियोस में जाइए और जाके इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे भी समझा रही हूँ बाय द वे। देखिए, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप सीख लीजिएगा। 60 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 60 60 के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिससे हमारा 7 बन जाए, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। तो क्या निकालेंगे भैया, कितने से 60 होता है? 2 से शुरू करते हैं, 230 है, 60 होता है और 7 लाना है। तो एक काम करिए ना, 60 ऐसे लिखा, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाले 30, ठीक है, फिर से 2 से गया 15 से, ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 5 सा, अब किससे जाएगा, 5 1 सा। अब देखिए, ये इसके फैक्टर्स हैं, हमें इन्हें ऐसे करना है कि जिनको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। अब देखिए, 5 3 15, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो भी 60 आएगा, लेकिन इन दोनों को ना तो ऐड करने पे 7 आ रहा है ना तो माइनस करने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, हम कर सकते हैं 2 2 4 4 3 देखिए 2 2 4 4 3 12, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे और इसको अकेले 2 2 4 4 3 12 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 12 5 60 होता है, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनता है, 17, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पे 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7, तो 7 बन गया हमारा, तो हम इसको ले लेंगे। समझ आया? हमें ऐसे फैक्टर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 बने और प्लस माइनस करने पे हमारा बीच वाला टर्म बन जाए। तो जब मैंने प्लस किया तो नहीं आया, बट जब मैंने माइनस किया 12 में से 5 को तो मेरा 7 आ गया, तो मैं इसको ले लूंगी यहाँ पे। तो ये तो एज इट इज रहेगा और ये 60 भी ऐसा ही रहेगा, और ये बस हम 7 को, ये जो 7 है इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे बताया ना अभी, इसके बेसिस पे। तो 12 में से 12x में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 7। तो बस मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं किया, जो जैसा था वो वैसा लिख दिया, बस 7x को बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, इसका एक और तरीका है यहाँ से सॉल्व करने का, इसके बाद से यहाँ से सॉल्व करने के दो वेज हैं। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, एक आप लोगों की बुक में एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सिखाऊंगी लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। माइनस प्लस माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब हम दो दो का पेयर बना लेंगे, ये दोनों ले लिए और ये दोनों ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है उसे ले लेंगे, क्या एक जैसा सा क्या आ रहा है दोनों में, सिर्फ एक्स, एक्स ले लिया, यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा, 12, देखिए 2x से 1x चला गया तो 1x बचा, x चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 12। समझ आया? अब देखिए 5x और माइनस 60, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, कैसे, 12 5 60 होता है, 5 1 5 होता है। ठीक है, x नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ x नहीं है और यहाँ x है, जब यहाँ से 5 चला गया क्या बचा, x, यहाँ हो गया माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब 5 तो चला गया, जब 60 में से 5 चला गया, 60 कैसे बना, 12 25 12 5, तो 5 चला गया तो क्या बचा, 12 इज इक्वल टू 0। ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, अगर ये गलत आ रहा है तो आप गलत है कहीं पे। ठीक है, अब देखिए x प्लस 5, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
और एक ले लेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू जी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो x क्या था हमारा, हमने क्या लिया था x आधार, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि आधार कभी भी नेगेटिव नकारात्मक माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x हम कौन सा मान के चलेंगे 12। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी कर्ण है, ये कितना था 13, ठीक है, ये था हमारा आधार जो कि हो गया x, अब जो कि हो गया कितना 12, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तब तीसरी साइड, तीसरी हम कैसे निकाल देंगे, ऊंचाई में x x की जगह क्या पुट करेंगे 12, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल 7 इज इक्वल टू 5, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अगर कुछ ख़राब है तो भी बताइए, मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर अच्छी है तो शेयर 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 करते रहिए, और सबको कहिए कि सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि सब देखते हैं और देख के चले जाते हैं। प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो लाइक किए बिना शेयर किए बिना मत जाया करिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।